ना लोगों से, वहां सांसदों से जिनको आप जिताकर भेजते हैं, ना उनका वोट डलने दिया। और माननीय उप सभापति जी ने जिस तरह से ये ध्वनि मत से बिल पास करवाए, ये हमारे लोकतंत्र पर, हमारे संसदीय प्रणाली पर और आप लोगों पर सीधा सीधा कुठाराघात किया। साथियों, ये देश, ये प्रदेश कभी इनको माफ नहीं करेगा। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बातें कर दी, हम आज यहाँ पर पहुंचे हैं एक दिन में नहीं, दशकों से, चाहे वो बात सर छोटू राम से शुरू हुई हो, किसानों के हक की लड़ाई लंबी लड़ाई रही है। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर ने हमें संविधान दिया, गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को बराबरी का हक दिया। हमारा संविधान किसी भी ग्रंथ से कम नहीं है, वो हमें अधिकार देता है, हमें अधिकार देता है कि हम अपनी बात रखें। लेकिन इस सरकार का विश्वास ना हमारे संविधान में है, ना संसद में है, ना संवाद में। ऐसे ऐसे कानून ये लेकर आए, हमारा सारा ढांचा बिगाड़ने का पूरा पूरा इन्होंने व्यवस्था कर ली। साथियों, क्या ये देश कुछ धनाढ्य परिवार चला सकते? क्या इतने दशकों की लड़ाई हमारे अधिकारों की आप जाया होने देंगे? ये हमारे ऊपर लांछन लगाते हैं।